खबर जनपद उधम सिंह नगर की खड़ीमा से, जहां खड़ीमा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को तहसीलदार सुभांगनी को एक ज्ञापन सौंप कर सुरई रेंज के अंतर्गत वन क्षेत्र में स्थित एक पुरानी ऐतिहासिक मजार को न तोड़ने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि सरकारी भूमि व वन भूमि पर अवैध रूप से निर्मित किसी भी प्रकार की धार्मिक संरचना को प्रदेश सरकार तथा माननीय न्यायालय द्वारा हटाने का आदेश पारित हुआ है। इसी क्रम में सरकारी भूमि तथा वन क्षेत्र में स्थित धार्मिक संरचना को प्रशासन द्वारा चिन्हित कर ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं खटीमा में सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि में एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक नजीबुल्लाह शाह उर्फ नज्जू शाह बाबा मजार को भी प्रशासन द्वारा हटाया जाना है। इसी को लेकर आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार सुभांगनी को एक ज्ञापन सौंप कर उक्त ऐतिहासिक मजार को न तोड़ने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उक्त मजार बहुत पुरानी और ऐतिहासिक है। इस मजार में सभी वर्गों के लोगों की गहरी आस्था है। कभी लोग इस मजार पर पहुंचकर अपने सुख शांति व कल्याण के लिए मन्नतें मांगते हैं, जो कि पूरा भी होता है। वहीं इस मामले में तहसीलदार सुभांगनी ने बताया कि सुरई वन क्षेत्र में निर्मित एक पुरानी ऐतिहासिक मजार को न तोड़ने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सुरई रेंज के रेंजर अधिकारी से वार्ता कर तथा जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कामिल खान उत्तराखंड सरकार में 15 सूत्री कार्यक्रम के सदस्य तारिक मलिक, मुस्तकी मलिक, अनवार अहमद मलिक, गुड्डू खान, अमानत हुसैन, सहनशाह हसन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद हारून अकबर खान, सलीम उर्फ पप्पू तथा राजू कुरैशी आदि लोग उपस्थित रहे। झाड़ू बाड़ू करते हैं और चले आते हैं। हम रहते नहीं वहाँ हैं, जंगल है और बहुत लोग आते हैं, हजारों आदमी आते हैं, जाते बराबर आते जाते रहते हैं। मिलत में आगे मांगते सलाम करते हैं अपने और घूमते हैं, उन पर थोड़ा बहुत सलाम करते हैं, दुआ मांगते हैं, पूजे रहते हैं सबको। सिख ईसाई सबसे आते हैं। मजार शरीफ को तो ये कहते हैं 300 साल पुराना है। वो पत्थर लगा हुआ है, चतुर्विधि रेंजर थे वो अपना पत्थर लगा गए, उन्हीं ने बाउंड्री उनकी बनवाई थी। है लेकिन वो सिकरा हमने किसी को दे दिया, मिला नहीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम सभी लोग स्थानीय प्रशासन से वार्ता करने के लिए गए सोई रेंज की मजार के संबंध में, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि वह वन विभाग से बात करके और इस मामले को जल्दी ही सुलझा लेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे प्रदेश में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें कोर्ट का भी दखल है, तो अच्छी बात है कि सरकार की एक अच्छी मुहिम है, अच्छा फैसला है कि पूरे प्रदेश से अतिक्रमण हटना चाहिए। जहाँ पर लोग अवैध अतिक्रमण के नाम पर जगह जगह पर धार्मिक स्थलीय मजार बनाकर बैठे हैं और उसकी आड़ में अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, उसको सरकार ने चिन्हित किया है। ये हमारी सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन उसमें यह है कि पुराने प्राचीन और ऐतिहासिक और जिनका इतिहास है ऐसे मज़ारों को न छुआ जाए और ऐसे मज़ारों के ऊपर कार्रवाई न हो, इसी मांग को लेकर के आज हम अपने स्थानीय प्रशासन से हमने बात की है और इस संबंध में स्थानीय प्रशासन ने बिल्कुल निश्चित रूप से सहयोग देने के लिए बोला है कि आपको यह पूरा सहयोग दिया जाएगा। अगर उसके कागज हमारे पास हैं या उसका इतिहास है तो उसमें जो है पूरे प्रशासन सहयोग करेगा। और इसमें दूसरी बात यह है कि धामी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि गलत को छोड़ेंगे नहीं और सही को छेड़ेंगे नहीं, और इसी विजन को हम अपनी सरकार का और धामी जी का समाज के कुछ लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है कि सुरई रेंज में जो मजार बनी हुई है उसकी कुछ इतिहास है और उसे ना तोड़ा जाए, तो उस चीज़ की अब जांच करवाएंगे सुरई रेंजर के साथ, उसके साथ बातचीत की जाएगी। ये बताया गया है हमें भी, ये जांच का विषय है, इसमें जो भी जांच होगी उचित हम करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी के साथ किसी का भी कोई नुकसान न हो इसमें।